हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी एक्सरसाइज 3 जो मिसलेनियस है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 बाय 13 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए 2 cos है cos b, 2 cos है cos b बराबर क्या होता है cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये देखिए 2 कॉस ए पाई बाय 13 ए है, 9 पाई बाय 13 बी है, तो 2 cos a cos b बराबर क्या होता है cos a plus b। तो मैं इसको लिखूंगा cos a plus b पाई अपॉन 13 plus b, b मेरे पास में क्या है 9 पाई अपॉन 13 plus cos a minus b पाई अपॉन 13 minus 9 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई 13। इसके लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ए हमारे पास में पाई अपॉन 13 है, बी हमारे पास 9 पाई अपॉन 13 है, तो मैंने फॉर्मूले में रखा है इसको कॉस ए प्लस बी यानी कि पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस माइनस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अब देखिए कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिए ये आ जाएगा कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अब देखिए कॉस 10 पाई अपॉन 13 को लिखेंगे कॉस पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, यानी कि देखिए यहां से मैं एलसीएम लेता हूं 10 पाई अपॉन 13 को तोड़ दिया मैंने, 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई, 13 पाई माइनस 3 पाई क्या बच गया 3, 10 पाई अपॉन 13 बच गया, यानी कि पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13 यानी 10 पाई अपॉन 13 को मैंने इस रूप में लिख दिया। तो देखिए यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 13 पाई माइनस 3 पाई कितना बच गया 10 पाई अपॉन 13। इसी प्रकार मैं इसको लिखता हूं कॉस पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 यानी कि 13 पाई माइनस 5 पाई कितना बचा 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13, इसको ऐसा कैसा रखेंगे प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अब देखिए 10 पाई अपॉन 13 को मैंने इस रूप में लिख दिया, 8 पाई अपॉन 13 को मैं इस रूप में लिख दिया यानी कि 13 पाई माइनस 5 पाई कितना बचेगा 8 पाई अपॉन 13। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है साइन और कोसाइन पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस
थ्री पाई अपॉन 13 कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया ये माइनस का ये प्लस का, तो बराबर क्या आ गया 0 राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स cos x बराबर 0। इसमें भी क्या करना है आपको, 0 के बराबर प्रूव करना है। तो ये देखिए sin a plus sin b, sin a plus sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए sin ये x हो जाएगा sin c plus sin d, ये हो गया साइन सी, ये हो गया साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी, इसमें यह लग जाएगा, ये देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यह आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन ये c प्लस डी बाई 2, तो cos c माइनस cos d में ये उल्टा हो जाएगा साइन d माइनस c बाई 2, या इसके पीछे यहाँ पे माइनस लगा दो, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन, तो देखिए इसको लिखेंगे साइन c ये है और साइन d है, तो ये हो जाएगा 2 साइन लेफ्ट हैंड साइड 2 sin c plus d by 2, 3x plus x by 2, cos 3x minus x by 2, और यह आ जाएगा इसका sin x plus plus, अब देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin 3x plus x by 2 sin ये c plus d by 2, तो ये d minus c by 2, d क्या है हमारे पास में x minus 3x upon 2, और ये आ जाएगा cos x, याद है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 साइन 3 और 4 2x, 3x में 2x cos x, यह आ जाएगा यहां से sin x प्लस, यह आ जाएगा 2 साइन 2x 3 प्लस x 4x upon 2, तो 2 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका तो माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा, तो मैं यहां लगा लेता हूं माइनस 2 साइन 2x और साइन x
और यहां से आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है भाई, तो देखिए टू साइन टू एक्स कॉमन आ जाएगा, इकट्ठे जाएगा जीरो ही जाएगा। देखिए टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये आपस में कट जाएंगे दोनों सेम है, ये क्या आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है कॉस एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, तो टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू और इस पे स्क्वायर ये लगाएंगे, प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लिखेंगे, तो टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू और ये इस पे स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है इसकी। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लिखा मैंने, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लिखा। अब देखिए इस स्क्वायर को लेके आएंगे तो दो पर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस यहां से भी स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा फोर। देखिए स्क्वायर करेंगे दो पे स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये आ जाएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉमन आ गया, तो यहां से देखिए क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा थीटा दोनों में सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक, तो यह आ जाएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक, दोनों का थीटा देखिए साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इसका भी क्या है एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू किसके बराबर हो जाएगा एक के बराबर, तो यह आपकी आ जाएगी फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर,
क्वेश्चन नंबर फोर देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इसका स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई इसका होल स्क्वायर बराबर फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये देखना तो देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन वाई माइनस एक्स अपॉन टू, या इसको हम लिख सकते हैं या देखिए वाई माइनस एक्स है तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं। ये क्या है वाई माइनस एक्स है ना तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये देखिए एक्स प्लस वाई अपॉन टू फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन टू तो मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये जो माइनस था वो यहां पे आ गया। हम या तो इसको ये रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं या माइनस पहले लगा लिया इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखिए मैं कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आ जाएगा माइनस का टू लेफ्ट हैंड साइड देखिए इस माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू और इसकी क्या है स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लिखेंगे तो यह आ जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर इस पर आएगी तो माइनस दो की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर। देखिए भाई स्क्वायर जो है वो हमेशा फंक्शन पे आएगी न कि एंगल पे आएगी। स्क्वायर किस पर आएगी फंक्शन पे आएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस इस पे स्क्वायर करेंगे तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये आ गया। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन आ रहा है दोनों में तो देखिए फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन लिया तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू यहां से ये कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ गया फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन आ गया यहां से बचा फोर ये भी बाहर आ गया दोनों में फोर कॉमन है तो यहां से आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू यहां से आ गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू दोनों के एंगल समान है एंगल अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा उसका मान एक हो जाएगा तो यह आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू इंटू वन वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ये आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब
पहला क्वेश्चन देखिए फाइव का है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स बराबर फोर कोस एक्स, फोर कोस एक्स कोस टू एक्स और साइन फोर एक्स, ये इंप्रूवमेंट करना आपको। तो देखिए मैं इसको फ्रो करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी, आ जाएगा देखिए साइन एक्स प्लस मैं इसको ले लूं इसके साथ में साइन सेवन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स, यानी साइन एक्स प्लस साइन सेवन एक्स और साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और यह आ जाएगा टू साइन थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू। तो टू साइन सेवन प्लस एक्स कितना हो गया एट, फोर एक्स कॉस यह आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स, पांच तीन आठ चार और कॉस माइनस का एक्स। तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो टू साइन फोर एक्स कॉस थ्री एक्स, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस थ्री एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स कॉस एक्स, देखिए इसमें दोनों में टू साइन फोर एक्स कॉमन आ रहा है, टू साइन फोर एक्स कॉमन ले लिया, टू साइन फोर एक्स कॉमन ले लिया तो यहां से आ जाएगा देखिए कॉस थ्री एक्स, टू साइन फोर एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में, कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। cos x plus cos y का फॉर्मूला देखिए हम लगाएंगे टू साइन फोर एक्स, cos x plus cos y का फॉर्मूला देगा टू cos थ्री एक्स प्लस एक्स अपॉन टू cos थ्री एक्स माइनस एक्स अपॉन टू cos x plus cos y का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2। ये आ जाएगा देखिए 2 sin 4x 2 cos 2x cos
एक्स आ जाएगा, तीन में से क्या दो बचे, दो का डिवाइड करेंगे एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा फोर, टू इंटू टू फोर कॉस एक्स और कॉस टू एक्स और साइन फोर एक्स, दो गुणा दो चार, कॉस एक्स कॉस टू एक्स और साइन फोर एक्स, ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड, क्या आ गई राइट हैंड साइड। देखिए एक्सरसाइज तीन की मिसलिनियस में आपके मैंने पांच क्वेश्चन निकला दिए हैं, इन पांच क्वेश्चंस को आपको फेयर कॉपी में करना है। तो आज के लिए जो इतना ही होगा, धन्यवाद।